शिक्षा, सुखवीर सिंह जी, आयुक्त उच्च शिक्षा निशांत बरवड़े जी, यहाँ के प्राचार्य गोस्वामी जी और इस मौके पर मौजूद हमारे अपने इस विद्यालय परिवार के प्राध्यापकगण, व्याख्यातागण, आमंत्रित अतिथिगण, विभीषिका का जो दंश झेले हुए वो परिवार के हमारे अपने परिवारजन, पत्रकार साथियों, प्यारे मित्रों, यशस्वी प्रधानमंत्री के मन में जो बात है और हम सब भी महसूस करते हैं, देश का विभाजन 20वीं शताब्दी की सबसे दुखद दुर्दांत घटनाओं में से एक अत्यंत त्रासदीपूर्ण घटना है और इस त्रासदी का शब्दों में बखान करना यह बहुत ही करुण और कठिन है। कई कारणों से इस पे कई लोग बात भी नहीं करना चाहते, हम भी उस कष्ट को जानते हैं, लेकिन ये बात भी सही है कि किसी देश को लंबी यात्रा करना है, आगे अगर बढ़ना है तो इतिहास के घावों की गलतियों से अगर वो सबक नहीं लेगा तो मित्रों सच मानो उसका भविष्य भी खतरे में पड़ेगा। हमारे सामने कई उदाहरण अभी अपनी आंखों के सामने दिखाई देंगे, कुछ मैं बताने का प्रयास भी करूंगा, आपको अपने आप दिखाई देगा। एक देश 2000 साल पहले ऐसे अपने देश से, अपनी भूमि से फटकने के मजबूर हुआ, उस देश का नाम इज़राइल है, जिसकी अपनी जमीन चली गई, जिसकी अपनी अस्मिता चली गई, जिसका अपना राष्ट्र चला गया और उसको अपने राष्ट्र के पुनर्निर्माण के लिए, पुनर्स्थापना के लिए 2000 साल तक। लेकिन देश की देशभक्ति क्या होती है, देशभक्ति की आग क्या होती, मैं इज़राइल के लोगों को धन्यवाद दूंगा, उनकी कई पीढ़ियां 2000 साल तक इस बात के लिए हर साल एक निश्चित समय पर विश्व में फैले हुए अलग अलग देश एक साथ उस निश्चित समय के निश्चित दिन पे इकट्ठे होते, एक दूसरे से गले मिलते, संकल्प लेते अगले साल हम अपने देश के अंदर मिलेंगे, और दुर्भाग्य के साथ ऐसा साल आने में 2000 साल लगे। आप अंदाजा लगा सकते हो कितनी पीढ़ियां चली गई होगी इस उम्मीद के भरोसे कि उनका अपना देश बनेगा। हमारे आसपास वो देश भी आजाद हुआ है, तो देश की आजादी की कीमत, ये मैंने उदाहरण इसलिए दिया कि आपको इसकी गंभीरता से देश की कीमत समझाने के लिए इज़राइल जैसे और भी कई देश, दो देश एक ही धर्म के हैं, इराक और ईरान, काल के प्रवाह में पर्शिया ईरान के रूप में निकल के आया, लेकिन बाद का ईरान और इराक हम सब जानते 20 साल दोनों के बीच संघर्ष चला, दोनों के हालत क्या हो गए, लेकिन ये अपने देश के परिप्रेक्ष्य में मैं दूसरे ढंग से बताता हूं। हमारी अच्छाई ये कि हम हरेक को गले लगाते हैं, हमारी अच्छाई ये कि हम अपने उदात्त भाव को सबके सामने सबके साथ साझा करने जाते हैं और साझा करने के भाव में भूल जाते हैं कि हमसे कौन सी गलतियां हो रही है। ऐसी गलतियों में कभी कभी हमको हमारी उस उदात्त भावना के कारण से जाने अनजाने भ्रमित कर देते लोग, और चालाक लोग अपनी चालाकियों से हमको अपने जाल में फंसाते हैं। पृथ्वीराज सिंह चौहान की घटना याद करो, 17 बार हमने अपने आक्रमणकर्ता को छोड़ा, एक बार मौका मिला केवल उनको, और एक बार के मौके में दोबारा उनने मौका नहीं दिया। पृथ्वीराज सिंह चौहान को छोड़ो, बाद के काल में भी लगातार, लेकिन सबसे आखिरी में ये गुलाम वंश, कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन आया, इल्तुतमिश दूसरा आया, तीसरा आया, इसको अगर एक सूत्र वाक्य में समझो तो हमारी गुलामी की परंपरा प्रारंभ हुई गुलाम वंश से, मोहम्मद गजनवी के सोमनाथ मंदिर के ध्वस्त करने से
वो मंदिर नहीं तोड़ा था, देश की आजादी को तोड़ने का पहला प्रयास। वैसे तो हमारे बीच मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के राजा के साथ जब सीमा पर धोखे से हमारे दाहिर सेन राजा को हराया तो क्या था, हमारी भोलेपन से, आमने सामने की सेना है और सेनाओं के युद्ध करने में हमारा अपना एक तरीका है कि हम अपने सैनिकों के लिए एक ध्वज ऊपर रखते हैं और राजा के रथ पे लगा हुआ ध्वज अगर लहराता दिखाई देगा तो वो युद्ध जीतेगा, उसकी सेना उस पर भरोसा करती है। लेकिन जो चालाक है, जिनने चालाकियां की है, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव संबोधित कर रहे हैं। कार्यक्रम इस वक्त भोपाल में चल रहा है और भोपाल से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रही हैं उस वक्त की जब सभी एकत्रित हुए। हमारी हार हो गई, राजा चिल्ला और वही षड्यंत्र हुआ, आमने सामने की सेना में दाहिर सेन युद्ध लड़ रहा है, दमदारी से लड़ रहा है, अचानक उसकी सेना मची, वो चिल्ला रहा कि क्यों भाग रहो, क्यों भाग रहो, कोई सुनने को तैयार नहीं, क्योंकि उनको मालूम जो एक मन में कल्पना आ गई, ये ध्वज लहरा रहा है इसका मतलब हमारा राजा जिंदा है। अरे वो जीते जी बोल रहा है सबसे, क्या कर रहे हो, क्यों भाग रहे हो, अपन युद्ध जीत रहे हैं। लेकिन जीते हुए उस युद्ध को उस नादानी से हारने का परिणाम क्या आया, वो 1200 साल पहले हारने वाली घटना, राजा दाहिर सेन मारा गया, सिंध पे कब्जा हुआ और बाद में अंग्रेज तक लगातार चालाकियां। ये तो वो चालाकियां थी जिसमें आमने सामने के युद्ध में कभी हमारे कुएं के अंदर जहर घोल करके गाय काट के डाल दी और कटी हुई गाय के आधार पर जिसने पानी पिया उसका धर्म भ्रष्ट हो गया, अब वो हिंदू ही नहीं रहा। ये नाना प्रकार के इतने नहीं, कितने सारे षड्यंत्र गिनो, इतनी सारी बातें, बचा कुचा हमारा हिसाब किताब अंग्रेजों ने चुकता कर दिया। जो हमारे यहाँ आए तो व्यापार करने थे, लेकिन व्यापार करने आने के बहाने से उनकी फैक्ट्रियों की रक्षा करने के लिए सेना खड़ी करी और सेना खड़ी करने के बहाने से धीरे धीरे हमारे विभिन्न बटे हुए राज्यों को किराए पे उठाने लगे। ये आज के कलेक्टर अतीत काल में उनके कलेक्शन के मेन आदमी थे, जो राजस्व संग्रह का काम करते थे, जिसके आधार पर वो अपने हिस्सा लेके जाते थे। लेकिन और आगे बढ़ो, 1857 आता है, इस देश के अंदर क्या हिंदू क्या मुसलमान सब ने मिलकर के अंग्रेजों के उस षड्यंत्रों का पर्दाफाश करके एक साथ युद्ध लड़ा और युद्ध लड़ने का परिणाम ये रहा कि थोड़ा सा युद्ध पहले हुआ इसलिए हम गफलत में थे, लेकिन असावधान समाज को भी पूरे तौर पर अंग्रेजों ने जैसे चाल समझ ली कि अगर ये सब मिलके लड़ेंगे तो हम ये आगे लंबा चला नहीं सकते। ये 1857 की बात, और तब से उनने गठान बांधी कि येन केन प्रकारण इस देश की आबादियों को फूट डालो और राज करो। हिंदू मुसलमान लड़ाने का षड्यंत्र खड़ा किया और हिंदू मुसलमान षड्यंत्र का आधार क्या बना, 1857 से लेकर 1906 तक दोनों समाज के बीच ज्यादा दूरियां नहीं थी, लेकिन 1906 में पहली बार अंग्रेजों के माध्यम से मुस्लिम लीग का नया फार्मूला लाए, और मुस्लिम लीग का फार्मूला लाए इतना ही नहीं, आज जो आरक्षण होता है और नया आरक्षण खड़ा कर दिया, पूरे भारत के अंदर ऐसी कॉन्स्टेंसिया निकाली गई जो मुस्लिम बहुलता वाली कॉन्स्टेंसिया थी, उस मुस्लिम बहुलता वाली विधानसभाओं के अंदर उनने अपना फार्मूला बनाया कि यहाँ पर केवल वोटिंग अधिकार केवल मुस्लिम लोगों को रहेगा और केवल मुस्लिम लोग वोट देने के लिए वोट देने जाएंगे और खड़े होने का अधिकार भी केवल मुस्लिम को है, एक भी हिंदुस्तान के अंदर किसी हिंदू को वोट देने का अधिकार नहीं था। लेकिन फिर भी आपको देश की अच्छाई बताता हूं, 1906 में पहली बार मुस्लिम लीग ने अपने कैंडिडेट खड़े किए, लेकिन देशभक्त मुसलमानों ने अंग्रेज के उस षड्यंत्र को समझते हुए 1906 का चुनाव हो, 1911 का चुनाव हो, 1916 का चुनाव हो, 1923 का चुनाव हो, लगातार 5 साल में एक भी बार मुस्लिम लीग के उस कट्टरपंथी भाव के आधार पर
दोनों चुनाव में खड़े होने वाले भी मुस्लिम, वोट देने वाले भी मुस्लिम, लेकिन देशभक्त मुस्लिम और देश विरोधी आपस में उनका ही चुनाव होता गया। हर बार वो हार रही है मुस्लिम लीग, 1936 तक लगातार वो हार रही, लेकिन दुर्भाग्य से कांग्रेस के लोगों को अपनी आजादी के लड़ाई में, अपनी संघर्ष में ये षड्यंत्र समझ में नहीं आया। और एक खलीफा आंदोलन हुआ अरब के अंदर, उस खलीफा आंदोलन में जबरन में यहाँ के लोगों ने अपने टांग फंसाते हुए उस बात को मुस्लिम धर्म से जोड़ करके यहाँ से समर्थन वहां दिया, तो जो मुस्लिम लीग की जड़ नहीं जम रही थी उसमें ये लियाकत अली और ये जिन्ना, ये सारे लोग उस समय कांग्रेस के बड़े नेता थे, लेकिन कांग्रेस ने नादानी के आधार पर अपने देशभक्त मुसलमानों का मन डबल कर दिया। जैसे ही मुस्लिम लीग के आगे घुटने टेके तो फिर कांग्रेस के अंदर के लोग भी उसी लाइन पे चल पड़े जिस पे चल करके आगे जा करके देश के बंटवारे की नींव रखी। 1940 का चुनाव हुआ, उस 40 के चुनाव में परिणाम क्या रहा, कांग्रेस ने जैसे लाइन बदली। विभाजन विभिषिका स्मृति दिवस पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को सुन रहे थे आप, और अभी कार्यक्रम जारी है और ऐसे में फिर आपको लिए चलेंगे कार्यक्रम में। दरअसल देश का बंटवारा जिस तरह धर्म के आधार पर हुआ और उस वक्त धार्मिक भावनाओं तो छोड़िए इंसानियत तक शर्मसार हो गई। भी कम समय में उनको इस्तीफा देना पड़ा। अपन केवल उस समय की दौर की कल्पना करो कि राष्ट्र के आधार पर नेतृत्व करने वाली कांग्रेस और कांग्रेस के अंदर के भी दो तरह के माहौल, एक तरफ कट्टरपंथी ताकतों के आगे घुटने टेकने वाले लोग, एक तरफ देशभक्त लोग, आप इस बात को भी मत भूलिएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव संबोधित कर रहे हैं विभाजन विभीषिका दिवस को लेकर। ये विभाजन की वो विभीषिका है जिसकी स्मृति आज एक बार फिर उन पुरानी यादों को इसलिए दोबारा याद किया जा रहा है जिससे कि आने वाली पीढ़ी प्रेरणा ले। लेकिन उस समय कांग्रेस ने कोई ऐसा दोहरा मापदंड नहीं रखा, लेकिन जैसे ही इस सुविचारित दिशा को भटकाने वाला कदम चालू हुआ, वो परिणाम क्या निकला, ये देश जो चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह जिनने लाहौर के अपने उस स्थान पर कसम खाई कि देश को आजाद कराएंगे और देश की आजादी के लिए इन क्रांतिकारियों की लंबी मालिका ने अपना बलिदान दिया, दुर्भाग्य के साथ देश की आजादी के 4-5 साल पहले से कांग्रेस ने पलटी खा ली और पहले तो झूठ बोला किसी हालत में देश का बंटवारा नहीं होगा, हमारे प्राण चले जाए, हमारे शरीर बढ़ जाए, देश नहीं भटकने देंगे, देश को नहीं टूटने देंगे, लेकिन ये सारी बातें झूठी साबित हुई। रातों रात एक लाल लाइन से देश के अंदर बंटवारे का सिद्धांत बना, लॉर्ड माउंटबेटन ने उस बात की मंजूरी दी, और बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है दुनिया का कोई ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा जो हमारे निरअपराध भाई बहनों के लिए वो विभीषिका के दिन को याद करेंगे। कैसा बुरा दिन था, अंग्रेज तो पस्त थे, अंग्रेज के चाल में हम फंस गए, अंग्रेज ने कहा कि भारत को आजाद कराना उनकी मजबूरी थी, वो 1857 में हिंदू मुस्लिम एकता का भाव भूल करके 90 साल तक उनने अपने इन षड्यंत्रों से घेरा, पहले तो अपनी मौजूदगी में लड़ाते रहिए, जाते जाते वो हमारे बीच ऐसे षड्यंत्र कर गए कि उस षड्यंत्र में हिंदुस्तान फंसा, और दुर्भाग्य से जो नेतृत्व करता थे उनने और बड़ी गलती की। हमारे देश के अंदर जो राष्ट्रवादी मुस्लिम लोग थे उनका सम्मान नहीं किया, अरे हम रसखान को भूल सकते क्या, हम रहीम को भूल सकते क्या, जिनके दोहे आज भी हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा बनते हैं, लेकिन केवल हमारी सांस्कृतिक एकता के उस मापदंड को भूलने का परिणाम निकला। हमसे तो अच्छा इंडोनेशिया, आज भी इंडोनेशिया के नोट के ऊपर भगवान गणेश जी का फोटो छपता है,
उनकी एयरलाइंस गरुड़ एयरलाइंस कहलाती। अब गरुड़ का मतलब ही क्या, विष्णु भगवान का वाहन। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा, इतनी विभस इतना भीषण नरसंहार हुआ कि कोई रेल के अंदर, रेल के अंदर क्षमता है 2000 लोगों की, रेल के अंदर और बाहर सब मिलाकर के सीट पे, बाहर डब्बे पे, छत पे लोग आगवानी करने के लिए खड़े हैं और रेल आ रही है, रेल में कटा हुआ हाथ लटकता दिखाई दे रहा है, जो सीट पे बैठे एक भी नहीं बचे, छत के ऊपर थे वहां मार डाले गए। कोई भी किसी प्रकार से ऐसा लग रहा था कि ये भगवान कौन सी दुनिया के लेके आए। रेल की सवारी गाड़ी की स्थिति ये बनी है, इनकी छोड़ो जो पैदल आ रहे थे, बुरी तरह से जो जवान बेटियां थी उनको छीन करके चील कौवे की तरह नोचा गया, कई कई बहन बेटियों के साथ जो व्यवहार किया वो सबके बीच बताना आज भी संभव नहीं। उस दर्द को, उस कष्ट को हमारा पंजाब, पांच नदियों का पंजाब, जिसपे सदियों से पूरा भारत गर्व करता था, वो पंजाब दो हिस्सों में बटा। हमारा वो सिंध जिसको हम राष्ट्रगान में गाते थे, उस राष्ट्रगान में केवल शब्द रह गया, सिंध हाथ से चला गया। सिंध वो स्थान था जिसने हजारों साल से अपने सारे थपेड़े झेल करके देश की सनातन संस्कृति को रक्षा की। मुझे इस बात का संतोष है, उस पुराने समय के भारत को याद करो या 1857 के बाद भारत से जो टूट टूट के गए, वो अफगानिस्तान, वो हमारा श्रीलंका, वो वर्तमान का पाकिस्तान, बाद का बांग्लादेश, ये सारे की सारे वो अखंड भारत के हिस्से थे। इससे काल के प्रवाह में और भी कष्ट हुए, लेकिन विभाजन की विभीषिका में आज के अवसर पर यशस्वी प्रधानमंत्री को धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने उस काल के खराब कष्ट को भी समझ करके और जिनकी नेतृत्वकर्ताओं की गलतियां थी उनको भी स्मरण करके भविष्य में हम अपनी एकता बनाए रखे, एकजुटता बनाए रखे, इस देश के अंदर अतीत की गलतियों से सबक लेकर के भविष्य की लंबी उड़ान के लिए हम सब तैयार हों। आज परिणाम क्या है भारत, मैं उम्मीद करता हूं आज नहीं तो कल वापस उस स्थिति को हासिल करेगा। उस कष्ट के दर्द को हम भूले भले ही है, लेकिन आज भी हमारी अपनी देश की स्थिति क्या हो गई, हमारा एक रुपया आज पाकिस्तान के 31 पैसे, हमारा एक रुपया उनके 31 पैसे पे, उनके हमारा रुपया एक रुपया चल रहा है, लेकिन उनकी जो स्थिति है लगातार डाउन हुई, तो 31 पैसे उनकी कीमत, उनके रुपये की कीमत 31 पैसे हमारे हिसाब से, और हमारा रुपया है उनकी, ये बांग्लादेश ये 72 पैसे, फिर आप इधर जाओ श्रीलंका ये भी 40 पैसे, आखिर कटे तो उनको भी कुछ नहीं मिला। और आज भी बड़ी संख्या में काफ़ी लोग इस बात के दर्द को समझते हैं और मान के चलते हैं कि दुनिया के अंदर अपनी अच्छाई, अपनी सच्चाई, अपनी संस्कृति के लिए जिसके कारण से हम जाने जाते हैं, दुनिया आज भी इस निगाह से हमको देखती है। लाख बंटवारा हुआ है, लेकिन इस बंटवारे की विभीषिका को हमको सबको इसी रूप में स्मरण करना पड़ेगा कि आज हमारी द्वारा की गई कोई गलती, उस गलती का युगों तक पीढ़ियां भुगतती है, जिनके परिवार से कोई गुजरा है, जो बीता है वो जानते हैं। मैं आज के अवसर पर जिनका सम्मान किया, ऐसे कई सारे लोग जिनने उस कष्ट के काल में केवल देशभक्ति और अपनी सनातन संस्कृति के लिए ये सब कुछ छोड़ के आए, कभी कल्पना कोई कर सकता है क्या ऐसी घटना हो और हमको रातों रात घर छोड़ना पड़े, तो ना घर, ना परिवार, ना कोई धन, ना दौलत, ना खेत, ना गांव, ना दुकान, ना मकान, सब छोड़ के आए केवल धर्म बचाने के लिए, केवल चोटी बचाने के लिए। ये केवल एकमात्र देश में हो सकता है, भारत में हो सकता है, और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे उस कष्ट के दौर के बावजूद भी यशस्वी नेतृत्व ने जो एक बड़ा निर्णय किया है कि आज भी उस हमारे पुराने 47 के पहले उस भारत के हिस्से से, चाहे अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, हमारे भाई बंधु जाने अनजाने जो उस समय रह गए थे, जिनको ये आश्वासन दिया गया था आप भी वहाँ सुरक्षित रहिए, हम भी यहाँ सुरक्षित रहेंगे, लेकिन वह आश्वासन झूठा साबित हुआ,
लेकिन मुझे इस बात का संतोष है, ऐसे सभी लोगों के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री ने दिल खोल करके भारत सरकार का कानून बनाने का पहली बार मौका दिया है, जिसके आधार पर भारत में उनको नागरिकता दे रहे हैं। लेकिन इस विभाजन के दंश को आज 14 अगस्त को हमको सदैव स्मरण में रखना चाहिए। आज के इस अवसर पर मैंने ये बात इसीलिए विस्तार से कही है, मेरी अपनी ओर से भारत माता के इस खास करके स्वतंत्रता दिवस को लेकर के 1000 साल की गुलामी के बाद यह 78वां कल हमारा एक तरह से आज़ादी का जन्मोत्सव मनेगा। इस जन्मोत्सव पे हम सब संकल्प करें भारत में भारत की इन सारी व्यवस्थाओं को लगातार आगे बढ़ाएं, अपने पुरुषार्थ से, योग्यता से, क्षमता से, बुद्धिमत्ता से और परमात्मा से कामना करें दोबारा ऐसा कभी दंश भारत को झेलना नहीं पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद, भारत माता की जय। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को आप सुन रहे थे। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस आज के दिन मनाया जा रहा है और उन्होंने कहा कि आज देश जो है स्वतंत्रता दिवस के एक दिन पहले आजादी का जश्न मना रहा है।